भाई एक बार फिर से इंडिया ने जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप का आगाज कर दिया है, यानी इंडिया ने अपना पहला मैच वर्ल्ड कप का जीत लिया है और आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था और आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 97 रन ही बना पाए, 97 रन ही बना पाए थे और अपने सारे के सारे विकेट खो दिए। और जवाब में उतरी इंडिया की टीम ने 12.2 ओवर में ही अपना टारगेट पूरा कर लिया और मात्र 2 ही विकेट खोए। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी लगाई। इससे पहले लगातार 5 बार विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी के साथ वर्ल्ड कप का शुरुआत किया था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाई और नॉट आउट रहे, रिटायर हट होकर चले गए चोट लगने के कारण। और पंत ने भी जबरदस्त पारी खेली, साथ ही बुमराह ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और अर्शदीप ने 2 विकेट और साथ ही हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी करके 3 विकेट लिए। तो इंडिया का आगाज शानदार हो गया है वर्ल्ड कप में और 9 जून को इंतजार है इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच का। तो इंतजार करते हैं, ये मैच जबरदस्त होने वाला है। बाकी आज की परफॉर्मेंस इंडिया की आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय हिंद।